हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन और स्पेसिफिकली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन सीआरजी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है दो टाइप से होती है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर यानी कि आउटसाइड द बॉडी अकर होगी वो, एंड अगर हम बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है इनसाइड द बॉडी होगी। तो फर्स्ट हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे, देन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है मैमल्स के अंदर, ये डिस्कस करेंगे हम सी अर्जिन के अंदर। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, या फिर हम बोल सकते हैं गेमिटोजेनेसिस कैसे की फॉर्मेशन कैसे होती है, गेमिट्स कैसे बनते हैं, गेमिट्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एग कैसे होते हैं। तो ये सब वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियोस अगर हेल्पफुल लगती है, पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन। अब ये जो सी अर्चिन है, फर्स्टली ये क्या होती है, सी अर्चिन एक इकाइनोडर्म होती है। ठीक है, ऐसा सी अर्चिन नजर आता है, ये पिक्चर है सी अर्चिन की। तो सी अर्चिन जो है एक इकाइनोडर्म है, ओशंस के अंदर रहता है। तो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन जब होती है, वॉटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। यानी कि क्या किया जाता है, मेल एंड फीमेल्स क्या कर देंगे, अपने गैमिट्स, मेल क्या होंगे जो स्पर्म्स होंगे, फीमेल गैमिट क्या होंगे जो ओवम या फिर एग होगा, वो वॉटर के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे एंड फिर उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगी। तो वो होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद अगर हम देखें, ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे एक एग का, या फिर हम बोले सी अर्चिन के एग का, एंड ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे सी अर्चिन के स्पर्म का। ठीक है, अगर हम एग के अंदर देखें, अब एग के अंदर हम एग का जो मैमल्स का स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्पर्म का स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स होती है, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं। तो अगर हम सी अर्चिन के एग की बात करें तो सबसे फर्स्ट इसके अंदर बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, एंड ये न्यूक्लियस क्या होगा यहाँ पे हैप्लोइडी। ठीक है, हैप्लोइड न्यूक्लियस होगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है कुछ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाहर ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन होती है, जिसको हमने मैमस के केस में बोला था जोना पेलुसिडा। ठीक है, मैमस के केस में उसको बोला था जोना पेलुसिडा, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, इसको व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन बोला जाता है। इसके बाद सबसे लास्ट प्रेजेंट होती है यहाँ पे एक जेली कोट, जिसको हमने मैमस के केस में बोला था कि वहां पे एक कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे वहां पे फॉलिकल्स प्रेजेंट थे। तो ये जो कोरोना रेडिएटा है, इनके इस सी अर्चिन के केस में इसको जेली कोट बोला जाता है। तो ये यहाँ पे मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, एंड इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया एंड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होंगे। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का क्या रोल होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम स्पर्म की बात करें, सी अर्चिन के स्पर्म की, तो इसके अंदर हेड है, हेड के अंदर एक्रोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, हेड के अंदर एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पे ये होता है कॉलर और नेक, एंड लास्टली ये प्रेजेंट है यहाँ पे टेल। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है टेल। तो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एग एंड स्पर्म के अंदर। तो ये हो गए यहाँ पे सी अर्चिन के एग और स्पर्म। अब एग और स्पर्म जब मीट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमिट्स को ही क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और हमने यहाँ पे एक्सटर्नल बोला है, यानी कि वो आउटसाइड द बॉडी फ्यूज होंगे, तो वो क्या होगी यहाँ पे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली और स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ये जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के अंदर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। इस रिसेप्टर को बोला जाता है EBR1 रिसेप्टर। ठीक है, इस रिसेप्टर को बोला जाता है EBR1 रिसेप्टर, यानी कि एग बाइंडिंग रिसेप्टर 1 होता है ये। इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक्रोसोम के अंदर, यहाँ पे बाइंडिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, बाइंडिंग यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और इस एक्रोसोम के अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, ये जो यहां से है, ये जो स्ट्रक्चर है यहां से,
इसको क्या करेंगे, एक्सपोज करवाएंगे एंड जो मेम्ब्रेन है उनके अंदर पेनिट्रेट करेंगे, उनको उनकी लाइसिस करेंगे, तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। कॉलर और नेक के अंदर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे यहाँ पे, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ से एटीपी जो है वो डिराइव की जाएगी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे चीजें हैं जो याद रखने की है। अब अगर हम इसकी बात करें, हम यहाँ पे स्पर्म को बोलते हैं लिगेंड, ठीक है, ये एक लिगेंड है एंड एग, एग एक रिसेप्टर है। एंड इन जनरल क्या होता है, कोई भी लिगेंड है रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ठीक है, फिर उनके बीच में जो रिएक्शन होगी, जो कैस्केड मैकेनिज्म होगा फर्दर, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो लिगेंड है ये आएगा इस रिसेप्टर के पास एंड रिसेप्टर से ही क्या करेगा, बाइंड करेगा, तो इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगी या फिर फ्यूजन होगा इनके प्रो न्यूक्लियस का। तो इन जनरल अगर हम इसको डिस्कस करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे एग होगा और साथ में यहाँ पे स्पर्म होगी, इन एग और स्पर्म के बीच में क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। एंड ये जो एग है ये क्या है, हैप्लोइडिन नंबर, ये जो स्पर्म है ये भी क्या है, हैप्लोइडिन नंबर। एंड यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे टू एनी नंबर होगा। तो ये होता है इन जनरल फर्टिलाइजेशन के अंदर। अब अगर हम देखें फर्टिलाइजेशन के अंदर कुछ स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, कुछ स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। इन स्टेप्स में से फर्स्ट स्टेप है द कीमो अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म टू द एग बाई सोल्यूबल मॉलिक्यूल सिक्रेटेड बाई द एग। यहां पे क्या होगा, सबसे फर्स्ट कीमो अट्रैक्शन होगी, ठीक है, कीमो अट्रैक्शन का मीनिंग है केमिकली अट्रैक्शन होगी, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि अट्रैक्ट करेंगे स्पर्म को एग की तरफ, ऑफ द स्पर्म, कीमो अट्रैक्शन होगी स्पर्म की टू द एग, एग तक, बाय सोल्यूबल मॉलिक्यूल सिक्रेटेड बाय एग। ये जो एग है वो एग क्या करेगा, एक सोल्यूबल मॉलिक्यूल को सिक्रेट करेगा एंड वो सोल्यूबल मॉलिक्यूल क्या करेगा, स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में कीमो अट्रैक्शन होगी, यानी कि स्पर्म जो है वो एग की तरफ अट्रैक्ट होके आएगी। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस होगी एक्रोसोमल वेसिकल्स की। यहाँ पे जो एक्रोसोम प्रेजेंट है एंड इस एक्रोसोम वेसिकल्स जो है उनकी एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी। एक्सोसाइटोसिस का मीनिंग क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है एंड इसकी जब एक्सोसाइटोसिस होगी तो इसके अंदर जो मटेरियल होगा, जो वेसिकल्स होंगे वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे टू रिलीज इट्स एंजाइम। एंड यहाँ पे एक्रोसोम के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है एंड ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, यहां से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहां पे एक्रोसोमल वेसिकल्स का एक्सोसाइटोसिस होगा जिसकी वजह से जो इसकी एंजाइम्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म टू द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप क्या होती है। ये जो हम मेम्ब्रेन की बात की थी ना, ये जो मेम्ब्रेन है, जेली कोट है, वाइट लिन मेम्ब्रेन है, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन्स है। तो इनसे जो बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप यानी कि वाइट लाइन मेम्ब्रेन ऑफ द एग, इसके बाद बाइंडिंग होगी स्पर्म की इस वाइट लाइन मेम्ब्रेन के साथ, एग की जो वाइट लाइन मेम्ब्रेन है। एंड हमने डिस्कस किया था कि वहां पे प्रेजेंट है EBR1 रिसेप्टर, तो इस EBR1 रिसेप्टर के साथ यानी कोई लिगेंड बाइंड करेगा जिसकी वजह से इनकी बाइंडिंग होगी एंड वो लिगेंड होता है दिस बाइंडिंग, ठीक है। ये बाइंडिंग वहां पे EBR1 रिसेप्टर के साथ बाइंड करके वहां पे क्या करेगा, इन मेम्ब्रेन्स की बाइंडिंग करेगा। फोर्थ स्टेप है द पासिंग ऑफ द स्पर्म थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप। अब इस एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप यानी कि इस वाइट लाइन मेम्ब्रेन से यहां पे आके स्पर्म जो है ये बाइंड तो कर गई है, ठीक है, स्पर्म बाइंड तो कर गई है। अब इस स्पर्म से ये जो पास होगी यानी इस मेम्ब्रेन से जो स्पर्म पास होगी, ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेप होगा द पासिंग ऑफ स्पर्म थ्रू दिस एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप। यानी इस एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप से कैसे स्पर्म जो है वो क्या होगी, यहां से पास होगी। एंड लास्ट वन इज द फिफ्थ स्टेप होगा फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो यहां पे क्या होगा, अब नेक्स्ट यहां से मूव करके स्पर्म जो यहां पे पहुंचेगी, स्पर्म जो है
रेड कलर से ये स्पर्म का ये हेड हो गया, ठीक है। तो ये स्पर्म जो है यहां पे पहुंची, तो इन मेम्ब्रेन्स का क्या होगा, वो फ्यूजन होगा, एंड इन मेम्ब्रेन्स के फ्यूजन के बाद क्या होगी, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई है कंप्लीट। तो ये स्टेप्स है जिन इन स्टेप्स के थ्रू हम फर्टिलाइजेशन जो है वो कवर करेंगे सी अर्चिन के अंदर। तो वन बाय वन हम स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है यहां पे कीमो अट्रैक्शन ऑफ द स्पर्म टू द एग, ठीक है। कीमो अट्रैक्शन होगी स्पर्म की एग तक। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे फर्स्ट है कीमो अट्रैक्शन। अब कीमो अट्रैक्शन कैसे होगी एंड क्या नीड है कीमो अट्रैक्शन की। अब सपोज करो सी की या फिर ओसन की, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे सी अर्चिन है और भी बहुत सारे एनिमल्स है। अब बहुत सारे एनिमल्स जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी शो करते हैं, तो बहुत सारे एग्स भी होंगे। लाइक ये एक सी बॉडी हो गई, ठीक है, ओशन हो गया, इसके अंदर बहुत सारे एग्स भी प्रेजेंट होंगे। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर स्पर्म भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगी, बहुत सारी स्पर्म्स भी होंगी। अब एग को क्या पता लगेगा और स्पर्म को क्या पता लगेगा कि मुझे इसी एग से बाइंड करना है। तो इनके बीच में क्या होती है, एक स्पेसिफिसिटी होती है। स्पेसिफिसिटी का मीनिंग है यहां पे एक स्पेसिफिक एग या फिर एक स्पेसिफिक स्पीसीज का एग ही दूसरी या फिर हम बोल सकते हैं उसी स्पीसीज के स्पर्म से बाइंड करेगा। तो इनके अंदर क्या होता है, स्पीसीज स्पेसिफिसिटी होती है, यहां पे होती है स्पीसीज स्पेसिफिसिटी। मीन्स जो एक स्पीसीज का एग है वो उसी स्पीसीज के स्पर्म से बाइंड करेगा। ये नहीं कि कोई भी किसी के साथ आके बाइंड करा फर्टिलाइजेशन हो रही है। कुछ केसेस में एक्सेप्शनली ये हो सकता है, लेकिन मोस्टली अगर हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं सी अर्चिन की, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे सबसे फर्स्ट कीमो अट्रैक्शन होगी। इस ये जो एग है ये जो स्पर्म को क्या करेगा, कीमो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जो भी स्पर्म है उसको क्या करेगा, कीमो अट्रैक्ट करेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि ये कोई जादू करेगा और ये अट्रैक्ट होके आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। ये किसके थ्रू होता है, यहां पे ये जो जेली कोट है, ये जो जेली कोट है, जेली कोट क्या है, सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो है या फिर आउटर एक्स्ट्रा एनवेलप मेम्ब्रेन जो है, एनवेलप जो है, ये क्या करेगी, ये जेली कोट सीक्रीट करती है एक पेप्टाइड को, ये सीक्रीट करती है एक पेप्टाइड को, एंड इस पेप्टाइड का नाम होता है रिसेप्ट। ये एक 14 अमीनो एसिड का पेप्टाइड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, 14 अमीनो एसिड का बना हुआ पेप्टाइड होता है, यानी कि एक प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन जो है ये जेली कोट सिक्रीट करती है, एंड ये रिसेप्ट प्रोटीन क्या करेगा, इन स्पर्म्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। स्पर्म्स के अट्रैक्शन का काम करेगा ये रिसेप्ट प्रोटीन या फिर रिसेप्ट पेप्टाइड। तो ये एग जेली क्या करेगी, एग जेली यहां से अपने एग जेली से क्या कर देगी, यहां से रिसेप्ट को सिक्रीट कर देगी। रिसेप्ट सिक्रीट हो गया। अब रिसेप्ट सिक्रीट होने के बाद ये जो स्पर्म्स है इसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि स्पर्म्स की एक तरह से हम बोल सकते हैं जो रिसेप्ट सिक्रीट हुआ है और स्पर्म ने क्या कर लिया, उसको मतलब एक तरह से उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, एंड इसके बाद क्या होगा, स्पर्म उस एग की तरफ खींची चली जाएगी। अब ये जो रिसेप्ट यहां पे रिलीज हुआ है ये क्या कर देगा, क्या 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 करेगा यहां पे, ये स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज कर देगा। स्पर्म मोटिलिटी इंक्रीज, ठीक है, स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, एंड मोटिलिटी यानी इसकी मूवमेंट जो है टुवर्ड्स द एग वो इंक्रीज हो जाएगी और वो एग की तरफ चलाएगा। तो ये होता है कीमो अट्रैक्शन, एंड ये एग की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जेली कोट से रिसेप्ट नाम का एक पेप्टाइड जो कि 14 अमीनो एसिड का बना होता है वो सिक्रीट होगा, जिसकी वजह से स्पर्म जो है उसकी तरफ जाएगी। तो ये होता है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, दैट इज कीमो अट्रैक्शन ऑफ द स्पर्म टू द एग बाई सोल्यूबल मॉलिक्यूल सिक्रीटेड बाई एग। अब ये जो रिसेप्ट है ये क्या है, एक सोल्यूबल मॉलिक्यूल है। कई एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो रिसेप्ट है वो कैसा प्रोटीन है, ये एक सोल्यूबल प्रोटीन है। सोल्यूबल प्रोटीन है तो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, और वाटर के अंदर डिजोल्व होकर ये क्या कर लेगा, स्पंस तक जाएगा, एंड स्पंस इसको एक तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे, सेंस करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे ये कीमो अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये होता है फर्स्ट स्टेप।
अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस होगी एक्रोसोमल वेसिकल्स की। ठीक है, स्टेप्स हमने देख लिए वन बाय वन, फर्स्ट स्टेप हमने डिस्कस कर लिया है कि कीमो अट्रैक्शन होगी। सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस होगी एक्रोसोमल वेसिकल्स की। तो इसको अगर समझने के लिए हम स्पर्म का हेड बनाए। सबसे पहले ये स्पर्म का हेड हो गया, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे ये एक्रोसोम प्रेजेंट है, ये एक्रोसोम की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एंड यहाँ पे स्पर्म की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। एंड इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है बाइंडिंग लिगेंड एंड साथ में यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। इसके साथ यहाँ पे जो इसकी मेम्ब्रेन है, इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक्रोसोमल वेसिकल की मेम्ब्रेन है या फिर एक्रोसोम की मेम्ब्रेन है। एंड इसके अलावा यहाँ पे ये प्रेजेंट है स्पर्म सेल मेम्ब्रेन, स्पर्म सेल मेम्ब्रेन एंड ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, सबसे फर्स्ट ये प्रेजेंट होगा यहाँ पे। अब सेकेंड यहाँ पे क्या होगा, ये जो जैसे ही वहां पे कीमो अट्रैक्शन हुई थी, ठीक है, कीमो अट्रैक्शन जब हुई थी उस टाइम पे क्या हुआ था, एक्सोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाती उसके साथ ही। अब एक्सोसाइटोसिस कैसे होगी, अब एक्सोसाइटोसिस के लिए यहाँ पे अगर हम नॉर्मल कंडीशन पे बात करें तो अंदर की तरफ होते हैं ज्यादा पोटेशियम आयंस, पोटेशियम आयंस अंदर की तरफ ज्यादा होते हैं। अगर हम रिलेटिव बात करें यहाँ पे आउटसाइड द जो सेल है उसके बाहर की, एंड आउटसाइड क्या होते हैं, यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव आयन होते हैं यानी कि सोडियम आयंस होते हैं। तो जैसे ही एक्सोसाइटोसिस होगी यानी कि जैसे ही वहां पे जो कीमो अट्रैक्शन होगी या फिर जैसे ही कीमो अट्रैक्शन होगी यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी। एंड इस एक्सोसाइटोसिस के साथ ही ये जो पोटेशियम आयन है वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे एंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम आयंस, ये कैल्शियम आयन अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे इन एंड आउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, पोटेशियम आयंस क्या कर देंगे, बाहर आना स्टार्ट कर देंगे, इन कैल्शियम आयन अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन क्या करना स्टार्ट कर देगी, इसके अंदर इस ये जो यहाँ पे एक्रोसोम वेसिकल है इसके अंदर कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, जो एग जेली है उसको रप्चर कर देंगे यानी उस एग जेली को डिसोल्व करने का काम करेंगे। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे एग तक, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पर्म है उसकी यहां तक वो आ चुका है, स्पर्म जो है उसकी एंट्री यहां तक हो गई है। अब इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे, यानी कि सबसे फर्स्ट वहां पे कीमो अट्रैक्शन हुआ जिसकी वजह से इसके पास आ गया, अट्रैक्ट हो गया। सेकंड इसके कीमो अट्रैक्शन के बाद एक्सोसाइटोसिस हुआ जिसके रिजल्ट में यहाँ पे कैल्शियम आयन अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे एंड पोटेशियम आयन बाहर आना स्टार्ट कर देंगे। अब इसके साथ ही क्या होगा, यहाँ पे ये जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है वो रिलीज होना स्टार्ट कर देंगे एंड इस जेली कोट को यहां से डिसोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तभी तो ये नेक्स्ट व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के पास पहुंचेगा। तो ये एग जेली जो है ये क्या हो जाएगी, यहां से डिसोल्व हो जाएगी। एंड इसके बाद ये जो मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें या ये वाले पोर्शन की, ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे फ्यूज करना स्टार्ट कर देगा। एक्सोसाइटोसिस के अंदर दो मेजर इवेंट होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे दो मेजर इवेंट एक्सोसाइटोसिस के अंदर। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें एक्सोसाइटोसिस के अंदर यहाँ पे फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल मेम्ब्रेन एंड जो ये एक्रोसोम की मेम्ब्रेन है विद एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, इन दोनों का फ्यूजन होगा एक्सोसाइटोसिस की वजह से। ठीक है, ये जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है यहां से रिलीज हो जाएंगे एंड ये मेम्ब्रेन जो है फ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड इसके अलावा सेकेंड यहां पे क्या होगा, यहां पे एक्रोसोमल प्रोसेस बननी स्टार्ट हो जाएगी, एक्रोसोमल प्रोसेस बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दो मेजर इवेंट हम बोल सकते हैं, लाइक अगर हमें इस पिक्चर में नजर आ रहा है यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे जैसे ही वहां पे हम बोल सकते हैं कि कीमो अट्रैक्शन हुआ था, एक्सोसाइटोसिस स्टार्ट हो गई एंड जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, स्पर्म सेल एंड एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है वो फ्यूज करना स्टार्ट कर देगी यहाँ पे। ठीक है, फ्यूज करना स्टार्ट की एंड इसके बाद सेकेंड क्या होगा, लाइक ये जो यहाँ पे जो एक्रोसोमल प्रोसेस है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी। अभी इस एक्रोसोमल प्रोसेस के बनने की वजह से जो हमें ये नजर आ रहे हैं बाइंडिंग प्रोटीन,
ये बाइंडिंग प्रोटीन क्या हो गई यहाँ पे एक्सपोज हो गई है एंड साथ में ही जो स्पर्म सेल मेम्ब्रेन और जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है वो भी फ्यूज हो गई है। ठीक है, तो ये दो स्टेप्स यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये होता है यहाँ पे सेकेंड स्टेप के अंदर यानी कि एक्सोसाइटोसिस के अंदर। अब अगर हम थर्ड स्टेप देखें, थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू द एग एनवेलप, यानी कि ये जो स्पर्म है उस इस एग एनवेलप के साथ बाइंड करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, बाइंडिंग होगी इस एग एनवेलप की इस स्पर्म के साथ एंड इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, पासिंग ऑफ स्पर्म थ्रू व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे दिस जो हमने एग एनवेलप की बात की है थ्रू एग एनवेलप्स। ठीक है, यानी इन एग एनवेलप्स के थ्रू लाइक यहाँ पे प्रोटीलिटिक एंजाइम क्या कर देंगे, इस जेली कोट को रप्चर कर देंगे, इसको डिसॉल्व कर देंगे, तो ये आगे बढ़ेगा, जो स्पर्म है वो आगे की तरफ जाएगा। तो इसकी वजह से ये जो पासिंग होगी नेक्स्ट पासिंग ऑफ स्पर्म थ्रू एग एनवेलप, ठीक है, एग एनवेलप के थ्रू क्या होगी यहाँ पे पासिंग होगी, रप्चर हो जाएगी। अब हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे बाइंडिंग प्रोटीन है वो एक्सपोज हो जाएंगे, बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो ऐसे एक्सपोज हो जाएंगे, ये स्पर्म का अगर स्ट्रक्चर ये न्यूक्लियस हो गया तो यहाँ पे जो है बाइंडिंग लिगेंड जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे, बाइंडिंग लिगेंड जो है वो एक्सपोज हो गई है एंड सपोज यहाँ पे प्रेजेंट है एग, यहाँ पे प्रेजेंट है एग की ये डी जेलिड है, नेक्स्ट है व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर अगर हम देखें ये जो है यहां तक पहुंच गया है। ठीक है, अब ये जो बाइंडिंग है ये बाइंडिंग क्या है, लिगेंड है एंड स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था यहाँ पे स्पीसीज स्पेसिफिसिटी होती है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे स्पीसीज स्पेसिफिसिटी होती है। ठीक है, स्पीसीज स्पेसिफिसिटी के अंदर क्या होगा, ये जो लिगेंड है ठीक है एंड जो EBR1 रिसेप्टर है यहाँ पे इस व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के अंदर, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के पास क्या है यहाँ पे EBR1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है EBR1 रिसेप्टर है, ये लाइक रिसेप्टर यहाँ पे EBR1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, EBR1 यानी कि एग बाइंडिंग रिसेप्टर 1 यहाँ पे है जो कि स्पेसिफिक है इस लिगेंड बाइंडिंग के लिए। लिगेंड क्या है यहाँ पे, बाइंडिंग। तो लिगेंड एंड रिसेप्टर का फ्यूजन होगा, ये जो बाइंडिंग है इसलिए इसके साथ यहाँ पे सपोज ये एक रिसेप्टर हो गया तो इसके साथ ये क्या होगा यहाँ पे आके बाइंड कर गया, इस रिसेप्टर के साथ आके बाइंड कर गया है, यानी कि अब क्या हो गई है यहाँ पे जो रिकॉग्निशन था या फिर स्पीसीज स्पेसिफिसिटी थी उसकी रिएक्शन होगी, यानी कि अब जो इसने एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे ये जो सी अर्चिन का स्पर्म था, सी अर्चिन का स्पर्म था एंड सी अर्चिन का ही यहाँ पे क्या था, एग था, इनके बीच में क्या हो गई यहाँ पे अब जो बाइंडिंग है जो फ्यूजन है यहाँ पे एक्रोज हम बोल सकते हैं बाइंडिंग रिसेप्टर का एंड EBR1 बाइंडिंग लिगेंड का एंड EBR1 रिसेप्टर का। ठीक है, फ्यूजन हो गया यहाँ पे। अब फ्यूजन के बाद क्या होगा नेक्स्ट, ये व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है, ये क्या है जो ये दिखाई, ये व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है, ये व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन भी तो पास करनी है तभी तो एग की सेल मेम्ब्रेन तक ये जो स्पर्म है वो पहुंचेगी। ठीक है, ये स्टेप हो गया पासिंग ऑफ स्पर्म थ्रू एग एनवेलप, इसके साथ बाइंड करने के बाद यहाँ पे बाइंड करने के बाद ये नेक्स्ट आगे बढ़ेगी एंड फ्यूजन होगा एग एंड स्पर्म सेल मेम्ब्रेन का। अब ये जो स्पर्म है और ज्यादा आगे बढ़ के यहाँ पे ये जो ये मेम्ब्रेन है एंड जो स्पर्म की मेम्ब्रेन है इन दोनों का फ्यूजन होगा एंड फ्यूजन होने के बाद क्या होगा यहाँ पे जो प्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फीमेल प्रो न्यूक्लियस एंड मेल प्रो न्यूक्लियस, वो दोनों आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन शो करेंगे, यानी फ्यूजन शो करेंगे एंड इसको ही बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ये तो हमने बात कर ली कि यहाँ पे 5 स्टेप होते हैं, कैसे होंगे, सबसे फर्स्ट यहाँ पे कीमो अट्रैक्शन होगा, कीमो अट्रैक्शन होता है थ्रू रिसेप्ट प्रोटीन, रिसेप्ट प्रोटीन के थ्रू कीमो अट्रैक्शन होता है, कीमो अट्रैक्ट होके एग जो है जो एग की तरफ स्पर्म आ जाएगी। इसके बाद सेकंड ये आते ही क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी एक्रोसोमल वेसिकल्स की। अब एक्रोसोमल वेसिकल्स जो होंगे उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो है स्पर्म की एंड जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है वो दोनों फ्यूज होंगी,
फ्यूज होने के बाद जो एक्सटेंशन है यहाँ पे एक्रोसोमल एक्सटेंशन फॉर्म होगी, ठीक है, ऐसी ये एक्सटेंशन फॉर्म होगी जिसकी वजह से बाइंडिंग लिगेंड है वो एक्सपोज हो जाएगा। एंड इसके एक्सपोज होने के बाद यहाँ पे जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के पास जो यहाँ पे EBR1 रिसेप्टर है, ठीक है, EBR1 रिसेप्टर के साथ ये क्या करेगा यहाँ पे बाइंडिंग शो करेगा। एंड इसकी बाइंडिंग के बाद पासिंग होगी, नेक्स्ट क्या होगी, पासिंग होगी स्पर्म की इन एग एनवेलप के थ्रू पासिंग जब होगी तो ये पहुंच जाएगा सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एग के पास। एंड यहाँ पे प्रेजेंट है अब न्यूक्लियस यानी कि प्रो न्यूक्लियस, फीमेल प्रो न्यूक्लियस एंड मेल प्रो न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे जिसके रिजल्ट में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी एंड जाइगोट फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे एक और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में एक और यहाँ पे मेजर इशू होता है। क्या मेजर इशू होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हर केस में होता है, लाइक एक स्पर्म है। अब स्पर्म तो बहुत सारी है, एग जैसे कि एक एग के साथ बहुत सारी स्पर्म्स आएंगी, ठीक है, कीमो अट्रैक्ट होके उसकी तरफ बहुत सारी स्पर्म्स चल के आएंगी, ठीक है, ये तो ये जब स्पर्म्स आएंगी तो एक ही स्पर्म एक ही एग के साथ बाइंड करेगी, ठीक है, एक ही स्पर्म एक एग के साथ बाइंड करेगी, उनके प्रो न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे एंड फर्टिलाइजेशन शो करेगी। ऐसे नहीं कि बहुत सारी स्पर्म्स जो इसके साथ बाइंड कर लेगी, बाइंड करेंगी, अब उनको रोकने के लिए यहाँ पे क्या होगी, एक ब्लॉक होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीस्पर्मी ब्लॉक, इसको बोला जाता है पॉलीस्पर्मी ब्लॉक, ठीक है। तो पॉलीस्पर्मी ब्लॉक होगा यानी कि एक से ज्यादा, पॉली यानी मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा स्पर्म एक एग के साथ बाइंड ना करे तो इसके लिए क्या होता है, एक चेक किया जाता है जिसके अंदर हम पॉलीस्पर्मी ब्लॉक के अंदर डिस्कस करेंगे। अब पॉलीस्पर्मी ब्लॉक जो है दो टाइप से होता है, एक होता है स्लो ब्लॉक जो कि सिर्फ थोड़े से कुछ सेकेंड्स के लिए होता है, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होता है। एंड सेकेंड होता है यहाँ पे परमानेंट ब्लॉक जिसको बोला जाता है स्लो ब्लॉक। तो दो ब्लॉक हम डिस्कस करेंगे, एक होता है फास्ट ब्लॉक, एक होता है स्लो ब्लॉक। स्लो ब्लॉक की वजह से परमानेंटली वहां पे कोई स्पर्म जो है इस एग सेल मेम्ब्रेन के साथ या फिर एग के साथ बाइंड नहीं कर पाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पॉलीस्पर्मी होती है, कैसे प्रिवेंशन होता है मोर देन वन स्पर्म का एग के साथ बाइंडिंग ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच।